अस्सलाम वालेकुम माय साइंटिफिक कम्युनिटी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के एक और मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन का आंसर लेके आई हूँ, दैट इज़ अबाउट द केमिस्ट्री बुक्स। आई हैव बीन ऑफनली आस्क ऑन माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉर द बेस्ट केमिस्ट्री बुक्स, जो कि हर केमिस्ट्री स्टूडेंट को ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो आप लोगों के इस क्वेश्चन को कमेंट में आंसर करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक ब्रीफ वीडियो जो है वो बना दी जाए, ताकि केमिस्ट्री पढ़ने वाले हर स्टूडेंट को उसके क्वेश्चन का आंसर मिल सके। ये वो तमाम बुक्स हैं जो कि सिर्फ मैं रिकमेंड नहीं कर रही, बल्कि वर्ल्ड वाइड दीज आर द टॉप रैंक बुक्स, और इन बुक्स को हर केमिस्ट्री पढ़ने वाला स्टूडेंट जो है वो ज़रूर पढ़ता है। ठीक है, आप लोग BS फोर्थ सेमेस्टर तक सारी केमिस्ट्री जो होती है उसकी ब्रांचेस पढ़ रहे होते हैं। आप लोग ऑर्गेनिक भी पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक भी पढ़ते हैं, एनालिटिकल भी पढ़ते हैं, फिजिकल भी पढ़ते हैं, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपका इंट्रोडक्शन कुछ ऐसी बुक्स से करवाऊंगी जो तमाम केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के पास होना ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू आर कंसिडरिंग यूर स्पेशल, कि आप फिजिकल में स्पेशल कर रहे हो, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में स्पेशल कर रहे हो, लेकिन एक तो आपको अपनी डिग्री के पहले 2 साल जो होता है सारी ब्रांचेस को पढ़ना होता है, दूसरा अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी आपको सारी ब्रांचेस की बुक्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम्स के लिए जाते हो फॉर द जॉब्स और इंटरव्यूज़ के लिए जाते हो, तो वहाँ पर आपको सारी ब्रांचेस से क्वेश्चन आ रहे होते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके पास इन सारी बुक्स की कलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो हम पहली ब्रांच देखते हैं, दैट इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है, हर स्टूडेंट मेरा ख्याल है इससे फेमिलियर होगा, स्टॉटवान और कलेडन की बुक है। इस बुक का थोड़ा सा कंटेंट मैंने यहाँ पर डाला हुआ है आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये बुक्स जो हैं आपको किस तरह का कॉन्टेंट प्रोवाइड करेंगी। इसमें देखिए, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, से इन्होंने स्टार्ट किया है, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स हैं सारी इसमें जो हैं वो थ्योरीज हैं, सारी स्टीरियो केमिस्ट्री है, सारे एडिशन सब्सिट्यूशन रिएक्शंस हैं, ये देखें सिंथेसिस है एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक और सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, इसमें सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आपको उसका बड़ा ब्रीफ ओवरव्यू दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ कॉन्टेंट मैंने शेयर किया है इसका, ये काफ़ी बड़ी बुक है और ये आप लोगों की केमिस्ट्री के मेजर सारे टॉपिक्स की डिटेल्स को कवर कर लेती है। ठीक है, और बड़ी आसान लैंग्वेज में है, बड़ी डिस्क्रिप्शन के साथ लिखा गया है, डायग्राम्स इसमें बहुत अच्छी हैं, और इसके अलावा बड़े डिफरेंट कलर्स यूज़ करके जो है इस बुक को पब्लिश किया गया है। इसके हवाले से, इसकी अवेलेबिलिटी के हवाले से मैं आपको यही बता सकती हूँ कि जब आप गूगल बुक्स में जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये ऑनलाइन बुक जो है अवेलेबल होती है, लेकिन गूगल बुक्स का ये थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है कि उसके कुछ पेजेस जो होते हैं मिसिंग होते हैं, वरना आप कोशिश करके इस बुक को ख़रीद लीजिए, बिकॉज बीइंग अ केमिस्ट लाइफ टाइम ये बुक जो है आपके काम आने वाली है। फिर उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है, दैट इज़ रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक सिंथेसिस, वो भी स्टार्टवान की है, और वो है जी द डिस्कनेक्शन अप्रोच। इसके भी 2-3 एडिशंस हैं, उन सब से आप गो थ्रू हो सकते हैं। इसमें हमारे पास पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस और इन तमाम डिस्कनेक्शन अप्रोचेस को जो है वो डिटेल से बताया गया। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा कंटेंट है जिसको मैंने यहाँ पर शेयर किया है, ताकि आप लोग फेमिलियर हो सकें कि आप लोग इस बुक को क्यों ख़रीदेंगे। ठीक है जी, ये देखें जी, सारी जो है हमारे पास ऑर्गेनिक, आपको पता है सिंथेसिस के बगैर इनकम्प्लीट है, और सिंथेसिस को डिटेल से पढ़ना ज़रूरी होता है, और उसकी सारी कनेक्शन डिसकनेक्शन अप्रोचेस जो हैं आपको उनके साथ फेमिलियर होना पड़ता है। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस से जो है वो पढ़नी होती है, तो बहुत बेहतर है कि आप ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए कुछ सेपरेट बुक जो है उसको स्टडी करें, और उसके लिए ये बेस्ट बुक है। ठीक है जी, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और बहुत बड़ा मेजर पोर्शन होता है, दैट इज़ द स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए हमारे पास जो है डी नासीपुरी की ये बुक है, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें इसके सारे प्रिंसिपल्स और एप्लीकेशंस हैं। ये इसका सारा कोर्स कंटेंट मैंने यहाँ पर डाला है जी, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंड केमिकल बॉन्डिंग्स, और स्टीरियो केमिस्ट्री जो है आपको छोटे से छोटे मॉलिक्यूल्स की लेके बड़े से बड़े मॉलिक्यूल की यहाँ पर डिस्कस की हुई है। स्टीरियो केमिस्ट्री बीइंग अ ऑर्गेनिक केमिस्ट, बीइंग अ सिंथेटिक केमिस्ट, आपको जानना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपको पता है छोटी सी
थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री में चेंज, मॉलिक्यूल की सारी करेक्टरिस्टिक्स, सारी प्रॉपर्टीज, उसकी सारी एप्लीकेशंस को चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये भी बड़ा कीन और डिटेल से पढ़े जाने वाला टॉपिक है, और इसको पढ़ने के लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो है वो सेपरेट बुक कंसल्ट करें, किसी एक बुक से जिसने सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है उसी से इसके कॉन्सेप्ट को मैच्योर करने की कोशिश ना करें। फिर उसके बाद हमारी यहाँ पर जी लोकल बुक है, जो कि हमारे बीएस ऑनर्स और बीएससी के स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं, कंसल्ट करते हैं, बेस्ट बुक है। मैं भी इस बुक को कंसल्ट करती हूँ। हमारे ऑथर हैं जी लोकल गुलाम रसूल चौधरी, उनके जो है इसके न्यू एडिशन्स आते रहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसके अलावा उन्हीं की फिजिकल इनऑर्गेनिक की भी बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं, आप इनको भी ज़रूर कंसल्ट करें। हमारे बीएससी और बीएस ऑनर्स का जो फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट कोर्स है ऑर्गेनिक का, और उसके बाद जो उसका फिफ्थ सेमेस्टर में ऑर्गेनिक का कोर्स वो पढ़ते हैं, उन दोनों को काफ़ी हद तक ये कवर करती है। लेकिन मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूँगी कभी भी एक टॉपिक को एक बुक से ना पढ़ें, मल्टीपल सोर्सेज से उसको जो है वो स्टडी करने की कोशिश करें, वेब सर्फिंग करें, यूट्यूब पे जाएं, बुक्स कंसल्ट करें, डिफरेंट तरह के ऑथर्स ने उसको डिफरेंट तरह से कन्वे किया होता है, कोई पता नहीं आपको किसका स्टाइल जो है वो क्लिक कर जाए और आपको उस टॉपिक की अच्छे से समझ आ जाए। इसके अलावा ये बहुत अच्छी बुक है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इसमें जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स, जो लोग नेचुरल प्रोडक्ट में रिसर्च कर रहे हैं, नेचुरल प्रोडक्ट आपको पता है एज अ मेजर सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं जब हम एमफिल और पीएचडी कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको जो है इस बुक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बीइंग अ नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट, अगर आप नेचुरल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन पे काम कर रहे हैं, तब आपको इस बुक के साथ फेमिलियर होना, इस बुक के साथ गो थ्रू होना पड़ेगा, बिकॉज इसको समझे बगैर आप जो है स्ट्रक्चरल एलुसिनेशन नहीं कर सकते, इसको समझे बगैर जो है आप मॉलिक्यूल्स के स्पेक्ट्रोस्कोपी और डिफरेंट तरह से स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स करके आप किस तरह से स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं उसको आप जो है वो नहीं समझ सकते। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया और हर टॉपिक की एक जो है इंपॉर्टेंट बुक भी बता दी, और ये ऐसी बुक्स हैं जिनको टॉप केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक्स जो है वो कंसिडर किया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, प्रिंसिपल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड रिएक्टिविटी। इसमें सारी बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आपको मिलेगी, जिस तरह हम लोगों ने स्टॉट पॉन्ड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जिसमें सारे टॉपिक्स बड़ी डिटेल से कवर किए हुए थे और एक बिगनर के लिए उस बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी था, इसी तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस बुक से गो थ्रू होना और इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं तो ये बुक आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। ये इसका थोड़ा सा कोर्स कंटेंट मैंने शेयर किया है, इसके जो लास्ट में अपेंडिक्स दिए गए हैं उसकी खास बात ये है कि उसमें यूनिट्स एंड कन्वर्जन फैक्टर्स सारे डिस्कस किए हुए हैं, एटॉमिक स्टेट्स, टर्म सैम्बल्स, करेक्टर सैम्बल्स, बॉन्ड एनर्जीज, बॉन्ड लेंथ्स, ओवरव्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एलिमेंट्स। तो वो सारी रीडिंग्स, छोटी छोटी वैल्यूज जिनको आपने याद रखना होता है बीइंग अ इनऑर्गेनिक केमिस्ट, इस बुक में बड़ी डिटेल से जो है वो दी हुई है, ठीक है जी। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाती है आरपी सरकार की जर्नल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है जी। यहाँ पर इसके दो वॉल्यूम्स अवेलेबल होंगे आपको मार्केट में, पहला वॉल्यूम जो है उससे आप ग्रुप केमिस्ट्री को बड़ी डिटेल से पढ़ सकते हैं, और दूसरा वॉल्यूम आपको ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं उनकी कम्प्लेक्सेशन किस तरह से बनती है, किस तरह से ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है, ट्रांजिशन मेटल्स किस तरह से बिहेव करती हैं, उनकी सारी केमिस्ट्री बड़ी डिटेल से मिलेगी, और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से आप अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाती हैं जी फिजिकल केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट बुक्स। फिजिकल केमिस्ट्री की जो मेरी फेवरेट बुक्स हैं उसमें एक तो मैं गुलाम रसूल चौधरी की बुक को भी कंसल्ट करती हूँ, इसमें भी बहुत अच्छे से चीज़ों को एलैबोरेट किया गया है। अगर आपने किसी टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो ये टॉपिक, ये बुक जो है ये काफ़ी अच्छी बुक है। बी एस सेकेंड सेमेस्टर का ज़्यादातर कॉन्टेंट ये कवर कर लेती है, और बी एस फिफ्थ का जो है उसमें जो क्वांटम केमिस्ट्री है वो अच्छी दी हुई है इस बुक में, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। इंग्लिश इसकी बहुत आसान है, हमारे लोकल ऑथर की है, तो इसको समझना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। उसके बाद जो हमारी मेरी फेवरेट बुक है वो है बीएस बहाल की फिजिकल केमिस्ट्री। इसकी भी जो है इजी टू अंडरस्टैंड है, और एडवांस एंड बेसिक कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री के यहाँ से आपको स्ट्रेंथन हो सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को एलैबोरेट किया हुआ है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम हर चीज़ के दिए हुए हैं। तो बीए का फिजिकल केमिस्ट आपके पास इन दो बुक्स का होना ज़रूरी है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री मॉलिक्यूलर अप्रोच, क्वांटम केमिस्ट्री
केमिस्ट्री इसमें बहुत डिटेल से दी हुई है, आसान करके क्वांटम केमिस्ट्री को समझाया हुआ है। क्वांटम केमिस्ट्री कहीं पे भी आपको इतनी अच्छी बेसिक से लेकर एडवांस तक नहीं मिलती, लेकिन ये बुक ऐसी है जिसको बहुत अच्छे से एलेबरेट करती है और कवर करती है। तो इस बुक को जो है आप लोगों ने ज़रूर रखना है बीइंग अ फिजिकल केमिस्ट। इसके अलावा एक और बुक है जी हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री की, गिल्बर्ट डब्ल्यू कैस्टेलन की थर्ड एडिशन। इसका जो है, इसके और भी एडिशंस हैं जो आपको मिले आप ले सकते हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड है और इसमें भी जो केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के जो हैं वो तमाम कॉन्सेप्ट्स को इसने कवर करने की कोशिश की हुई है। ठीक है, दिस वॉज एन ओवरव्यू ऑफ द बुक्स जो कि आपको नेशनल और इंटरनेशनल ऑथर्स की खरीदनी है बीइंग अ केमिस्ट। इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं यहाँ पर डालना भूल गई हूँ, जो कि हर ब्रांच में यूज होता है। बीइंग अ फिजिकल एनालिटिकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और एनालिटिकल में ज़्यादा यूज होता है। तो हमारे लोकल ऑथर हैं डॉक्टर हक नवाज भट्टी, उनकी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है बहुत आसान बना के उन्होंने वहाँ पे बहुत डिटेल से जो है फॉर द बिगनर्स जो है वो दी हुई है। उसको आप लोग जो है वो ज़रूर पढ़ें टू अंडरस्टैंड ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री बुक्स। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।